हाँ हेलो वेलकम टू स्टार्ट सुजी। तो भाई आज की वीडियो एक कंट्रोवर्सी पे होने वाली है, एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसमें प्यार मोह माया और विक्टिम कार्ड भी है। और वैसे भी जिस कंट्रोवर्सी में विक्टिम कार्ड नहीं होता वो सिर्फ नाम का कंट्रोवर्सी होता है। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि मैं इस कंट्रोवर्सी पे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखने वाला हूं। और साथ में जो जहां पे गलत होगा मैं उसको वहीं पे मार भी लूंगा अच्छे से। अबे साले, अब आई नो कि तुमको झांट फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कह रहा हूं, तो सबसे पहले तुम इस कंट्रोवर्सी के बारे में जान लो। तो भाई ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है पबजी मोबाइल इंडिया के कमबैक से। जब पबजी ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि हाँ हम इंडिया में वापस आ रहे हैं और गांडफाड़ू तरीके से आ रहे हैं, तब अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए ने गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजी पबजी को फिर से बैन करने के लिए। अब आई डोंट नो कि इस एमएलए को कौन सी खुजली हो रही थी, पर इसने ऐसा ही किया। और इसकी भेजी गई नोटिस में ये साफ साफ लिखा था कि पबजी को इंडिया में आने से रोका जाना चाहिए क्योंकि पबजी बस नाम चेंज करके इंडिया में कमबैक कर रहा है। हाँ यही लिखा था इन्होंने अपने नोटिस में। अब मुझे नहीं पता इस अंकल ने कौन सा नशा करके इतना सारा ज्ञान इकट्ठा किया है, पर जो भी है पबजी को इंडिया में आने से रोकने के लिए इन्होंने सरकार को ऑलरेडी नोटिस भेज दिया है। अभी इस चीज से ट्रिगर होकर एक झाट पर यूट्यूबर ने एक वीडियो अपलोड की। इस यूट्यूबर का नाम पारस है और इसका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम पारस ऑफिशियल है। और जहां तक मुझे बताया ये गेमर है जो पबजी की वीडियो अपलोड करके अपने आप को गेमर समझता है, मतलब चुतियों को चुतियापे की सीमा देख रहे हो। अब जब अंकल ने गवर्नमेंट को नोटिस भेजा तो इस बंदे के गाने मिर्ची लगी और इसने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें जो इसको नहीं बोलना था इसने वही बोल दिया। ये देखो को अपनी तरफ से सब कुछ पता चल रहा है। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके, मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना। ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फ़ोटो भी देख लेते हम, इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। देख रहे हो इस बंदे को, ये बोंसडी वाला फेस देखकर जज कर रहा है कि ये इंडियन है कि नहीं। अरे मेरे लोडू भाई थोड़ा सा तो सेंस यूज किया कर। मतलब मैं अगर कहूँ तू इंडियन नहीं है क्योंकि तेरा मुंह टेढ़ा है तो तुझे कैसा लगेगा बे? और भाई अरुणाचल प्रदेश के बंदे चाहे कैसे भी दिखते हो पर तेरे से तो लाख गुना अच्छे दिखते हैं। ऐसे दिखते हो मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। बाकी उसके बाद चलो ये भी देख लिया हमने। और इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा, ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। अबे भाई कौन सी सुखी गांड का नशा करता है यार तू? अबे चोदू उदू है क्या? मतलब उसका नाम इंडियन नहीं है तो वो इंडियन ही नहीं है। और अगर ऐसा ही है तो रेमेडियो सुझा कौन सी कंट्री से भाई, ये भी बता दे क्योंकि उसका नाम भी इंडियन नहीं लगता। और चलो अरुणाचल प्रदेश के लोग अच्छे होते हैं, यहाँ तक ये लोग सह लेते हैं, पर इसके बाद इस चूती ने जो किया ना वो तो कतई एक्सेप्टेबल नहीं था। पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं। ये हमारा इंडिया है ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई, कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो 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 हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर भी चाइनीस सिटीज़ हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है एक तरह से, उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है, इंडिया में आता है अपने। भाई साहब इनडायरेक्टली ये अरुणाचल प्रदेश को चीन कह रहा है। अबे चौथी फेल चूतिए, तेरी बुद्धि गांड में या घुटने में? अबे नहीं यार ऐसे चूतियों को गेमर कौन कहता है भाई, सिर्फ पबजी को खेल कर गेमर नहीं बना जाता। और जैसे तेरा आईक्यू है ना भाई, पबजी को तुझे चूतिया घोषित करना चाहिए तभी तुम्हारी बुद्धि गांड से दिमाग में आएगी। अब जैसे ही लोगों ने इसको हेट देना स्टार्ट किया तो इसकी गांड फटी और इसने अपनी वो वाली वीडियो डिलीट कर दी। पर इसकी इस वीडियो के बाद कॉन्ट्रोवर्सी ने लगभग आग पकड़ ही ली है और अब सभी अरुणाचल प्रदेश के बंदे आके बोल रहे हैं कि भाई मैं इंडियन हूँ, मेरी शक्ल से मुझे जज मत किया करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लेंजिंग डोमिंग है, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ और मैं एक इंडियन हूँ। शायद आपको सुन के ताज्जुब हो रहा होगा कि मैंने अपने आप को इंडियन बोल के क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी मुझे, क्योंकि या तो कुछ लोग नहीं जानते या फिर कुछ लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम अरुणाचली भी इंडियंस होते हैं। इस वीडियो में मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम अरुणाचली भी तो इंडियंस हैं, हमें भी तो रहने का हक है, हमें भी तो बोलने का हक है ना। हम 2021 में जी रहे हैं और हम सभी इंडियंस को ये बात पता होनी चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश भी इंडिया का ही एक स्टेट है। देखो भाई अगर तुम यूट्यूब पे आज यूट्यूबर आए हो तो कुछ तो बुद्धि होनी चाहिए कि कहाँ क्या बोलना है और कहाँ क्या नहीं बोलना है। मतलब कोई देश या स्टेट से बढ़कर पबजी नहीं है भाई, पहले तुम्हारा देश आता है उसके बाद पबजी आता है। हालांकि भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें ये अरुणाचल प्रदेश की जनता को सॉरी बोल रहे थे। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एक पॉइंट पे आके कुछ गलत बोल दिया था जिसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ। और उस वीडियो से मैंने वो सारे पार्ट को डिलीट कर दिया है एंड मैंने वीडियो के कमेंट में भी पिन कर दिया था अपना कमेंट कि मैंने गलती की है और मैं आगे से ध्यान रखूंगा इस चीज के लिए। मैं उस तरह से उस बात को बोलना नहीं चाहता था जिस तरह से वो लोगों को दिखा है, बट मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। मैं आप सभी से जिनको भी बुरा लगा है उस वीडियो से, चलो भैया मुझे नहीं पता कि ये सच में शर्मिंदा है या नहीं, पर फिर भी इसको तुम माफ कर दो। पर मेरे भाई ये जरूर सीख लेना कि देश और स्टेट से बढ़कर कुछ भी नहीं है, पबजी भी नहीं। और भाई तेरे कारण अरुणाचल प्रदेश के लोगों के दिमाग पर क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा ये तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता। सो वीडियो में जो बोलना है बोलो, लेकिन सोच समझ के बोलो भाई। और इसने एक अच्छा भी काम किया कि इसने वो वाली वीडियो हटा दी, और हटा के भी क्या फायदा हुआ क्योंकि भाई को पुलिस पकड़ के ले गई। पारस की मम्मी मैं बोल रही हूँ, कल पारस ने एक वीडियो डाला हुआ था, उसने कुछ उसमें गलत बोल दिया,
मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह का वीडियो बनाया है, और जब मुझे पता लगा तो बहुत मुझे भी दुख लगा कि वो ऐसा लफ्ज क्यों बोला, जो भी बोला गलत बोला, उसके लिए मैं भी माफ़ी मांगती हूँ, सभी से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी उससे गलती हुआ, वो बच्चा है, उसे माफ़ कर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले, अभी 2 मिनट हो रहा है, कुछ लोग घर पे आए थे और पारस को उठा के ले गए हैं, ये बोल के कि हम चौकी से आए हैं, मुझे वहाँ से पुलिस ने भेजा हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ मेरे बच्चे को ले कर गए। मेरा एक ही बेटा है मेरे इस दुनिया में, उसके अलावा कोई भी नहीं है, ना उसका पापा है, ना और कोई सहारा है मेरा। देखो भाई, जब कोई मार होती है ना तो सबको बुरा लगता है, चाहे वो कोई भी हो। तो माफ कर दो इसको, क्योंकि इससे गलती हुई है, ये मैंने माना, लेकिन इसने सॉरी भी बोल दिया है। और जो लोग इसकी फैमिली और इसकी माँ को गाली दे रहे हैं, तो भाई मत करो। आई नो कि उसने गलत किया है, पर तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो गलती कर रहे हो ना, कोई अच्छा काम तो नहीं कर रहे हो। तो भाई गाली वाली मत दो, और मेरी जनता जितनी भी है तो प्लीज इसको हेट मत देना, प्लीज। तो भाई लोग, इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है कि इंटरनेट पे बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, नहीं तो आपकी एक गलती और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बाकी अगर तुमको ये वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कमेंट में मुझे बताओ कि कहां मैं गलत था, ताकि मैं उस चीज को इंप्रूव कर पाऊं। तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो की मजदूरी में। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय।